बड़ी खबर संबल से है, जहां कोरोना वैक्सीनीकरण से पहले वैक्सीन जम गई। भारी तादाद में कोरोना वैक्सीन जमने के बाद वैक्सीनीकरण भी देर से शुरू हुआ। वहीं सीएमओ ने वैक्सीन के जमने की वजह मशीन या मानव की भूल बताते हुए जांच कराने की बात कही है। कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट फेज के तीसरे चरण में वैक्सीनीकरण से पहले जमने का मामला गुन्नौर सीएससी से सामने आया है, जहां आज अब तक का पहली बार वैक्सीनीकरण होना था। वैक्सीन लगाने से पहले जब देखा गया तो 100 डोज से ज्यादा करीब दर्जन वायल जमी मिली। वैक्सीन जमने की जानकारी के बाद हड़कंप मच गया आनन फानन में और वैक्सीन का इंतजाम किया गया। अलबत्ता वैक्सीन जमने की घटना की वजह से करीब घंटे भर बाद वैक्सीनीकरण शुरू हो सका। हालांकि सीएमओ अजय सक्सेना ने कहा कि वैक्सीन मशीन की वजह से जमी या मानवीय भूल से ये जांच के बाद पता लगेगा। अलबत्ता वजह जो भी है, फिलहाल संबल का हेल्थ महकमा जिस पर कोल्ड चेन में वैक्सीन रखने की जिम्मेदारी थी, अब सवालों के घेरे में है। यहाँ पर आज हमारे दो सेशन साइट हैं और हर सेशन साइट पे 100 लोगों को टीका लगाया गया, 200 लोगों को लगभग टीका लगा। अच्छा, जैसे सीएमओ साहब बताया गया कि कुछ वैक्सीन जम गई थी, क्या है पूरी जानकारी? ये वैक्सीन जो है जम गई थी, तो उसके बाद अभी यहाँ पर आया हूँ और उसको देखा मैंने, तो देखने पर जो है उसमें गली में हल्की सी जमावट दिखाई पड़ी। अब ये जो है मशीन का जो है डिफ़ॉल्ट है या कोई मानवीय भूल है, ये एक जांच का विषय है और मैं इसमें ठीक से जो है देख के जांच करके बाद में बता पाऊँगा कि जैसे ऐसा किस वजह से हुआ। और उसकी वजह से ये हमारा सेशन भी जो है थोड़ा सा स्टार्ट करने में थोड़ा विलम्ब हो गया और अब जो है दोनों हमारी साइट जो है वहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है और स्थिति सामान्य है।